भाजपा के पूर्व कद्दावर नेता और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पूर्व रक्षा मंत्री रहे जसवंत सिंह का आज सुबह 6:55 पर निधन हो गया। वो 82 साल के थे। वे पिछले 6 साल से कोमा में चल रहे थे। जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। जसवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने 1996 से 2000 के दौरान रक्षा, विदेश और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह भी राजनीति में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसवंत के बेटे मानवेंद्र से फोन पर बात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में लिखा कि जसवंत सिंह जी ने पहले एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की, फिर राजनीति के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि बीजेपी के दिग्गज और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह के निधन से बेहद दुखी हूँ। उन्होंने रक्षा मंत्री समेत कई अहम पदों पर देश की सेवा की है। उन्होंने राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। जसवंत सिंह के निधन पर JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S. जयशंकर समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। वहीं विपक्षी नेताओं में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जसवंत सिंह के निधन को भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया। जसवंत सिंह का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गाँव जसोल में 3 जनवरी 1938 में हुआ था। जसवंत सिंह को पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी का हनुमान कहा जाता था। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। चाहे पाकिस्तान के साथ से रिश्ते सुधार की बात रही हो या फिर परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया के साथ बेहतर संबंध को मजबूत करने की, जसवंत सिंह ने अपना रोल बखूबी निभाया। जसवंत सिंह के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्होंने सेना में रहकर देश सेवा की और बाद में राजनीतिक का दामन थाम लिया था। वो 1980 से 2014 तक सांसद रहे। इस दौरान उन्होंने संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व किया। जसवंत सिंह ने अपने राजनीतिक सफर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने की हर संभव कोशिश की थी। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच शांति का उनका सपना भी अधूरा ही रह गया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 में पोखरण में 2 दिनों के अंतराल में 5 परमाणु परीक्षण कर सारी दुनिया को चौंका दिया था। इसके बाद दुनिया भर के तमाम देश भारत के विरोध में खड़े हो गए थे। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा सहित कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक पाबंदी लगा दी थी। देश में विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा था। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को जवाब देने के लिए जसवंत सिंह को आगे किया। परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों में जो दरार आई, उसे जसवंत सिंह ने अपने कौशल से भरने की कोशिश की। जसवंत सिंह के कूटनीतिक कौशल का कमाल था कि 2001 के आते आते ज्यादातर देशों ने सारी पाबंदियां हटा ली थी। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट का अपहरण कर लिया गया था। इसमें 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। कंधार विमान अपहरण कांड के वक्त जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। लोगों को छुड़ाने के लिए जसवंत खुद कंधार गए थे। जुलाई 2001 की आगरा शिखर वार्ता के दौरान जसवंत सिंह NDA सरकार के विदेश मंत्री थे। आगरा में अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ ऑफिसर परवेज मुशर्रफ के बीच वार्ता के दौरान जसवंत सिंह थे। दरअसल वार्ता के पहले दिन भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने प्रस्ताव दिया था कि अटल और मुशर्रफ के साथ दोनों देशों के विदेश मंत्री भी बैठेंगे। इसके बाद दोनों देशों के मुखिया सहित 4 लोगों के बीच बातचीत चली और कोशिश भी की गई, लेकिन सफल नहीं हो सकी। 2012 में भाजपा ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन UPA में हामिद अंसारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जसवंत सिंह जिन्ना पर लिखी अपनी किताब को लेकर BJP से निष्कासित किए गए थे। वे अपनी किताब जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस में लाल कृष्ण आडवाणी की तर्ज पर एक तरीके से जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष होने का सर्टिफिकेट देते नजर आए थे। अपनी किताब में उन्होंने सरदार पटेल और पंडित नेहरू को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। ये बातें BJP और RSS की सोच से मेल नहीं खाती थी, जिसके चलते 2009 में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। 2010 में उनकी वापसी हुई। 2014 में उन्हें भाजपा ने लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया। उनकी बाड़मेर सीट से भाजपा ने कर्नल सोनाराम चौधरी को उतारा। इसके बाद जसवंत ने फिर भाजपा छोड़ दी। निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसी साल उन्हें सिर में चोट लगी। इसके बाद से जसवंत कोमा में ही थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।